नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लगता है 2024 से पहले बीजेपी की दुर्गति होनी शुरू हो गई है और पाला पड़ गया है डीएमके से। डीएमके ने ऐलान किया है कि ओबीसी को प्रमोशन में आरक्षण का वो बिल लाएगी। सवाल है कि अब क्या करेगी कांग्रेस, क्या करेगी बीजेपी। और तमाम नीतीश कुमार और डीएमके ने मिलकर, लालू यादव ने मिलकर तय कर लिया है कि 2024 का चुनाव अग्रा बनाम पिछड़ा, मंडल वर्सेज कमंडल होगा। तैयारी शुरू हो गई है। बात एक झूठ की बताता हूं, लोग लग नहीं रहे थे, विपक्ष सड़कों पर उतर नहीं रहा था। आज अखिलेश यादव सड़कों पर उतरे, राहुल गांधी उतरे हुए हैं। आज अमित शाह ने, आपको पता है नीतीश कुमार को क्या कहा? वो गए थे बिहार के पूर्णिया कि नीतीश कुमार ने पीएम बनने के लिए मेरे पीठ में छुरा भोंका है। मतलब पीएम बनने का अधिकार सिर्फ बीजेपी आरएसएस को है। इसका मतलब यह है कि पार्टी डरी हुई है, सकते में है। नीतीश कुमार गुजरात निपटाने के चक्कर में लगे और नीतीश कुमार ने कह दिया है कि जो 2014 में आए हैं वो 2024 में नहीं आएंगे। सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि विपक्ष के नेता डर गए हैं, नस दबा हुआ है, कोई फाइल है इनकम टैक्स ईडी, राहुल सड़कों पर है, आज अखिलेश सड़कों पर थे। और किस तरह से झूठ जेपी नड्डा ने कहा, आज जेपी नड्डा ने कहा कि मदुरई में एम्स बन गया है। इतना बड़ा सफेद झूठ बोला बीजेपी। वहां तमिलनाडु में, मदुरई में एम्स का दो काम 90% पूरा हो चुका है। फिर क्या था, कांग्रेस के सांसद मानिकम टैगोर और मदुरई के सांसद, वो दोनों जो है वहां पहुंच गए। ये देखिए, ये वीडियो, ये तस्वीरें देखिए। और सरयाम उनके झूठ को बेनकाब कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से सरयाम इनके झूठ को बेनकाब कर दिया। अब संसद में खेल होने वाला है। डीएमके स्टालिन ने कहा है कि वो प्रमोशन में आरक्षण का बिल जो है वो लाने वाले हैं ओबीसी के लिए। एससी के लिए आए थे, इससे पहले एससी के लिए बिल आया था, समाजवादी पार्टी ने फाड़ दिया था, समाजवादी पार्टी की बदनामी हो गई। अब डीएमके जब बिल लाएगी संसद में ओबीसी आरक्षण में प्रमोशन का, तो कल्पना कीजिए कि बीजेपी क्या करेगी। जो जो पार्टियां इनके खिलाफ जाएगी वो सामने एक्सपोज हो जाएंगी, ये तो तय है। अब सपा क्या करेगी, बसपा क्या करेगी? मैं फिर कह रहा हूं, पिछला चुनाव जो होगा 2024 का, वो मंडल वर्सेज कमंडल होगा। और इसमें सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को फायदा होने जा रहा है, आप लिख के रख लीजिए। अब बीजेपी, कांग्रेस जो छुप के चुपचाप करती थी, बीजेपी ने उसको सरेआम करना शुरू कर दिया है। और इसी वजह से अब एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी में कभी इतनी एकजुटता नहीं थी। और इस बार तय है कि भारत को कोई शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, आदिवासी प्रधानमंत्री मिलने जा रहा। हो सकता है कोई अल्पसंख्यक भी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि तमाम जो विपक्षी नेता उनको लग गया है कि बीजेपी धर्म के नाम पर राजनीति करती है, गाय गोबर की राजनीति करती है, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। सोचिए, $5 अरब का विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया है भारत में, कोई बात कर रहा है? $5 अरब, बीबीसी की खबर है। रुपया जो है 81 के पार हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। ये रोज गाय गोबर गौमूत्र मुसलमान को मारो, फलाना ढिमकाना ठिमकाना कर रहे हैं। अब तमाम विपक्षी दलों ने कमर कस लिया है, सड़कों पर निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तो नहीं होगा। वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आरक्षण भी लगभग खत्म होने के कगार पर है। तो सोचिए, मैंने कहा था ना, 10 साल तो मनमोहन सिंह भी रह के गए हैं। अब ओबीसी आरक्षण पर पूरी की तरह से कांग्रेस बीजेपी को स्टैंड लेना पड़ेगा या एक्सपोज हो जाएंगे। और जितनी जागरूकता एससी एसटी ओबीसी में आ गई है, आरक्षण देखिए, हेमंत सोरेन ने झारखंड में तो बीजेपी के लिए रास्ते बंद हो गए हमेशा के लिए। हेमंत सोरेन ने 27% रिजर्वेशन दे दिया है। अखिलेश मायावती में करीबी लगातार सपा बसपा लगातार हो सकता है कि 7 चुनाव लड़े। अखिलेश यादव आज विधानसभा से सड़कों पर पैदल चले गए इस बात के लिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्र आरक्षण के लिए, फी बढ़ोतरी के लिए, प्राइस हाइक के लिए प्रदर्शन करें। ऐसा आप कल्पना कर सकते थे, उम्मीद कर सकते थे? तो मैं फिर कह रहा हूं, राजनीति बहुत तेज हो गई है, पानी बह रहा है और लालू यादव जेल से बाहर है। लालू यादव में वो ताकत है, वो सलाहियत है कि वो नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, जेडीएस, जगनमोहन रेड्डी सबको एक साथ कर सकते हैं। तो 2024 से पहले बौखला गई है बीजेपी। आज अमित शाह कुछ भी बोल रहे थे, अच्छा इनके झूठ भी लोग पकड़ने लगे हैं सोशल मीडिया पर, इनके सारे झूठ पकड़ा रहे हैं।
अब जाकर असली खेल शुरू होगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के 90% लोग एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जो है आज डीएमके के सांसद है, दलित सांसद है ये राजा, जिनको फंसाया गया था संचार घोटाला में, 2G स्पेक्ट्रम में, विनोद राय जातिवादी एक सीएजी विनोद राय ने फंसाया था। उन्होंने कहा है कि 3% सवर्ण हिंदू 90% हिंदुओं के अधिकार का विरोध करता है, आरक्षण का विरोध करता है, ये नहीं चलेगा। ओबीसी 50% अकेले आबादी है इस देश में, 55% 60% उसको प्रमोशन में आरक्षण का बिल डीएमके लाने जा रही, कौन विरोध कर पाएगा भाई? है किसी में हिम्मत विरोध करने की? अब इसकी वजह से मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का जो पूरी जो पूरा जो राजनीति होगी, पूरी पूरा जो चुनाव होगा वो मंडल वर्सेस कमंडल होगा। आरक्षण में बार बार पिछले 5 साल से कह रहा था कि जैसे जैसे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, बहुजन समाज के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे, आरक्षण की लड़ाई और तेज होगी, और वो समय आ गया है। बीजेपी ने इतना ज्यादा अत्याचार किया, जैसे कंपनियां बेची जा रही है, रेल बेचा जा रहा है, सेल बेचा जा रहा है, गेल बेचा जा रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, उससे साफ है। बंगाल में कुर्मी आंदोलन 5 दिन से रेट बंद करके रखा है, ट्रक ड्राइवर सोचिए। तो देश भर में आंदोलन शुरू है, और सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को गुजरात में लगने जा रहा है। तो तमाम विपक्ष के जो विपक्षी दल है इन्होंने इंतहा कर दिया। सोचिए इनकम टैक्स ईडी जो है इनकी इंतहा हो गई है, और सोचिए कि अब जिसके यहां छापा पड़ रहा है लोग उसके समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं, जिसके यहां रेड पर है उनके समर्थन में खड़े हो जा रहे हैं। तो बीजेपी ने अपने लिए बहुत मुश्किलें बढ़ा ली है, और इससे साफ है कि 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल होगा। डीएमके ने लाइन खींच दी है, नीतीश कुमार ने लाइन खींच दी है, लालू यादव ने लाइन खींच दी है, अखिलेश यादव मायावती जी भी अब समझने लगी हैं कि इनसे लड़ा जा सकता है, लेकिन वही मुद्दा होगा, धर्म के नाम पर आप इनसे नहीं लड़ सकते हैं, इनसे आरक्षण के नाम पर आपको लड़ना होगा। और जब आरक्षण के नाम पर लड़ाई होगी, संवैधानिक अधिकार के नाम पर लड़ाई होगी, तो यकीन मानिए ये बच नहीं पाएंगे। और जो सवर्ण समाज है वो किसी कीमत पर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का आरक्षण देना नहीं चाहता है, उसके अधिकार देना नहीं चाहता है। और बीजेपी जैसी विरोध करेगी आरक्षण का, सोचिए मंडल कमीशन जब लागू हुआ था तो आडवाणी रथ यात्रा लेके निकल गए थे, अब तो अयोध्या मंदिर भी बच गया, धर्म की लड़ाई अब कोई लड़ने नहीं जा रहा है, तो सोचिए अब कोई मुद्दा नहीं इनके पास। और अब साफ हो गया है कि मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई होगी, और इसकी अगुवाई 3 बड़े 4 नेता कर रहे हैं, नीतीश कुमार, स्टालिन, अखिलेश यादव, मायावती, हेमंत सोरेन। तो बचना कुछ नहीं है। वही एक बड़ी खबर बता दूं, 6 अक्टूबर को आरएसएस हेडक्वार्टर का घेराव करने जा रहे हैं बामन मेश्राम। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं बार बार कह रहा हूं कि 2024 का चुनाव क्रूशियल है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के हक अधिकार का चुनाव है। सोचिए आदिवासी को रिजर्वेशन है, पिछड़ा को रिजर्वेशन है, 90% मुसलमानों को रिजर्वेशन है, आप इनके खिलाफ कैसे चलेंगे? हमको लगता है कि 2024 के बाद सारी कंपनियों को प्राइवेट जो किया गया उसका सरकारीकरण भी किया जाएगा। और अब तो अमित शाह ने मान लिया है कि नीतीश कुमार पीएम बनने के लिए हमसे अलग हुए, इसका मतलब है कि बीजेपी बैकफुट पर है, सकते में है, उसको लग गया है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक समुदाय मिलकर इनकी नैया को डुबा देंगे। और अंत हो गई है, इंतहा हो गई है। आपको लगता है कि टीवी अखबार अब बचा पाएगा बीजेपी को? मैं फिर कह रहा हूं, अगर मंडल वर्सेस कमंडल, सवर्ण वर्सेस अगड़ा बनाम पिछड़ा, आरक्षण सोशल जस्टिस बनाम धर्म की लड़ाई होगी, तो सोशल जस्टिस की जीत तय है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।